ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नौ शर्मान उनवाला फ्रॉम उनवाला इंग्लिश ग्रामर स्कूल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। एज यू नो वेरी वेल, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, पहली टर्म देख सकते हैं, नंबर वन टर्म, नंबर टू टर्म, नंबर थ्री टर्म। पहली टर्म को लास्ट वाली टर्म के नंबर से हमें करना होता है मल्टीप्लाई। 2 12 24, इसको हम नाम देते हैं W1, इट मींस वर्किंग वन। 24 का लेते हैं एलसीएम, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यू ऑल पीपल शुड बी गुड इन एलसीएम। मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 एंड 3, मुझे कुछ ऐसा करना है। हमारे टॉपिक का नाम है मिडल टर्म ब्रेकिंग, इट मींस मुझे बीच वाली वैल्यू मिडल टर्म को ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरे पास आंसर जो आना चाहिए 11 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब कौन कौन से पेयरिंग बन सकती है मेरे पास, 2 2 4, 4 2 8, 2 × 2 × 2 and 3, 2 2 4, 4 2 8, 3 3 प्लस करके 11 आ सकता है। इट मींस मेरा जो फैक्टर बना, मेरा जो पेयर बना 8 + 3 का बना। आई रिपीटिंग माई सेल्फ, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई इनटू लास्ट टर्म, इट्स 24। एलसीएम लेके, एलसीएम में कुछ फैक्टर्स आएंगे, उन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास 11 आ जाए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग विद साइन, साइन कौन सी है 11, मैं आपको एक गलत करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने 8 3 तो ले लिया, मगर बीच में माइनस की साइन लगा दी, सिर्फ 8 और 3 आना लाजमी नहीं है, प्लस माइनस माइनस तो आंसर आ जाएगा 5, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये वाली ज्यादा बेहतर है। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म को कॉपी करेंगे एज इट इज, लास्ट टर्म को भी कॉपी करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जो दो पेयर आए हैं, दो टर्म आई है, 8 and 3, प्लस 8 + 3, जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, कॉमन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले चेक करें आप साइन, देन नंबर, देन वेरिएबल। पहले साइन कॉमन चेक करें, इन दोनों में कौन सी साइन कॉमन है, इट्स प्लस, प्लस को शो नहीं करते, मैं आई एम वेटिंग फॉर यू। कौन सा नंबर कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 भी आता हो, 8 भी आता हो, इट्स ऑटोमेटिकली इटसेल्फ 2। वेरिएबल को ऐसा वेरिएबल है जो 2x² में भी आता हो और 8x में भी आता हो, दैट इज एक्स। अब हमें गौर से सुनते रहिएगा, इसे जो केयरफुली अब करना क्या है, 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2x² बन जाए। गौर से सुनिएगा, मेरे पास 2 रिक्वायर्ड है, इस पोजीशन को मैं बोलता हूं रिक्वायर्ड और इस पोजीशन को मैं बोलता हूं डिपॉजिट। इस वाली पोजीशन को मैं जरा जूम करता हूं, मेरे पास रिक्वायर्ड है 2x², मेरे पास डिपॉजिट है वो है 2x। आप लोगों को मालूम होगा जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहां पर 1 अज्यूम किया जाता है इन मैथमेटिक्स। इट मींस मेरे पास क्या चीज कम पड़ रही है, 2 भी है, x² होना चाहिए, एक x है और तो मेरे पास x कम पड़ा, प्लस 8x रिक्वायर्ड है, डिपॉजिट कितना है 2x। 2 को कितनी दफा पढ़ूंगा मैं कि वो 8 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक्स हो जाए, इट मींस नहीं 1 होता है, तो मेरे पास क्या कम पड़ा 4। सेम विद दिस, 3x + 12, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है,
कॉमन वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, फिर से लिख देता हूं, साइन नंबर एंड वर्डन वेरिएबल्स। साइन कौन सी कम है, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे प्लस होता है, दोनों जगह प्लस प्लस है, इट मींस प्लस मेरे पास एज अ कॉमन फैक्टर में आ गया। नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 भी आता हो 12 भी आता हो, इट्स आर 3। क्या चीज कम पड़ रही है, 3x होना चाहिए, रिक्वायर्ड 3x है मेरे पास itself, क्या चीज है सिर्फ 3 है, क्या चीज कम पड़ रही है xx। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 12 हो जाए, 4 प्लस 3 x प्लस 4। अब यहां पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जरा गौर से सुनकर रहिएगा। यहां पर आते ये वाली ब्रैकेट से सेम आ जाए, इट मींस मैंने बिल्कुल ठीक किया है, 2x जो मैंने कॉमन फैक्टर लिया था, 2x प्लस 3, इन दोनों में क्या चीज, कोई एक ले लूंगा मैं, यहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्ट आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पुराने वाले स्टेप को रिकॉल कीजिएगा। फर्स्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, इट मींस वर्किंग 1 के अंदर शो करना पड़ेगा मुझे 5 × 6, इट्स 30। नाउ आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ 30, 2 15s are 30, 3 5s are 5 1s are, मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं इट्स 2 × 3 × 5। हमारे टॉपिक का नाम है मिडल टर्म ब्रेकिंग, बीच वाली वैल्यू मिडल टर्म को मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक को इस तरीके से करना है कि दोनों टर्म को प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए मेरे पास, इट्स 13, शुड बी मस्ट 13। 2 5 10, 3 का 3। Now I am choosing which sign should be come. It's plus, 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 10 plus 3 is 13. It means मेरे पास जो middle term का pair बना है, 10 plus 3 is always 13. Next step, first term copy, last term copy. I am repeating my full steps. Number 1 step, first term should be multiplied to last term, is 13. Then take LCM, factors should be 13, middle term breaking, plus 10x plus 3x. Now it's time for common. मैंने इसको last time नाम दिया था required का। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 भी आता हो 10 भी आता हो, कॉमन लेने का मेरा स्टेप याद रखिएगा, साइन नंबर एंड वेरिएबल। कौन सी साइन कॉमन है, इट्स प्लस। कौन सा नंबर कॉमन है 5 भी आता हो 10 भी आता हो, इट्स इटसेल्फ 5। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है, तो एक्स मेरे पास कॉमन आ गया। क्या चीज रिमेनिंग बचा, 5x स्क्वायर होना चाहिए था, 5x है, क्या कम पड़ गया x, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि वो 10 बन जाएगा, इट्स 5 × 2 = 10, x मेरे पास ऑलरेडी था। मैंने आपको कहा था कॉमन लेने के बाद हमारी ब्रैकेट सेम आना लाजमी है, तो आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि आपने ठीक सॉल्व किया है या रॉन्ग। साइन नंबर वेरिएबल, वेरिएबल 6 के साथ नहीं है, इट मींस वेरिएबल तो मेरे पास कॉमन नहीं हो सकता। कौन सी साइन कॉमन है, इट्स प्लस। कौन सा नंबर कॉमन है, इट मींस कौन सा नंबर है इसमें 3 भी आता हो 6 भी आता हो, इट्स 3। वेरिएबल बता चुका हूं कॉमन नहीं है, यहां पर एक्स आ रहा है, मतलब यहां पर कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 1 = 3, एक्स का एक्स, 3 2 = 6। आप देख सकते हैं x plus 2 कॉमन, इन दोनों को भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, 5x plus 3। आई एम रिपीटिंग माय ऑल द स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म,
जो आंसर आएगा उसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक दिस। अब हम कोशिश करेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग का ब्रेकअप बन जाए। इट मींस 10+3 ये आपके अपने हाथ में होता है, 10+3 13। दो फैक्टर्स में हमारे पास नंबर आ गया 10, जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल आएगा 10, एक्स का एक्स प्लस 3 का 3 एक्स का एक्स। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉपी कर दी जाएगी, इन दोनों में हम कॉमन चेक करेंगे। कॉमन का स्टेप मैं बता चुका हूं, साइन नंबर एंड वेरिएबल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 गौर से सुनते रहिएगा। सबसे पहले वर्किंग वन की हेडिंग दे देते हैं, आप लोगों को मालूम होगा फर्स्ट टर्म का नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, 2 9 18। नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम ऑफ 18, 2 9 3 3 3 1। मेरा फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कुछ इस तरीके से करना है कि मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग निकल आए, 2 3 6 3 का 3 इट्स 9। नाउ कॉपिंग द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस 6x प्लस 3x, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक्स 2। कौन सा वेरिएबल कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है। आप अपने माइंड से इसको प्रिटेंड कर सकते हो एक्स 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 2 3 6। यहां पर आने के बाद दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम आना चाहिए, इट मींस आप ठीक कर रहे हो। अब देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है, इट्स 3, एक्स का एक्स 3 3 9, एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया दोनों के अंदर, दोनों टर्म को ले लेंगे 2x प्लस 3। कुछ असाइनमेंट मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में, जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसकी डेडलाइन होगी आफ्टर 2 डेज, इट मींस 26 अप्रैल 2020 आपको सबमिट करवाना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।